हमीरपुर सर्दी आते ही रोडवेज बसों में यात्री सर्द हवाओं की मार झेलने को मजबूर है। बसों की टूटे शीशों की वजह से ठंडी हवा लगने से लोग पड़ रहे हैं बीमार। परिवहन निगम प्रबंधन सर्दी का मौसम शुरू होने से पहले बसों की विंडो की टूटे शीशों, खिड़की और जर्जर बॉडी की मरम्मत कराना गवारा नहीं समझता, लिहाजा यात्रियों को बसों में कपकपाते हुए सफर करना पड़ रहा है। अधिकतर बसों की विंडो में एक ही कांच लगा है। यदि कोई यात्री कांच अपनी तरफ खींचता है तो दूसरी तरफ खुल जाता है, जिससे यात्रियों को सर्द हवा को झेलना मजबूरी बन जाती है। कई बार यात्री कांच अपनी तरफ खींचने के चक्कर में आपस में भिड़ जाते हैं और नौबत मारपीट तक पहुंच जाती है। रोडवेज बसों से सफर कर रहे यात्री सिर्फ सर्द हवाएं नहीं झेल रहे, बल्कि इनकी जान को भी खतरा है, क्योंकि रोडवेज के बेड़े में शामिल अधिकतर बसों में फॉग लाइट नहीं लगी है। यही नहीं, कई बसों के वाइप ऊपर भी गायब है, जिसके चलते घने कोहरे में बसों को चलाना चालकों के लिए मुश्किल हो सकता है। सामने से कुछ साफ नहीं दिखने से एक्सीडेंट का भी खतरा रहता है। अगर आपको रोडवेज की बसों में सफर करना है तो कंबल लेकर आना पड़ेगा। एमपी न्यूज़कास्ट से जिला संवाददाता दिलीप कुमार। और आज यहाँ रोडवेज बस में खड़े हुए हैं हम लोग राठ परिवहन विभाग में। क्या बसों की स्थिति है? बसों की स्थिति बहुत ख़राब है, जिसमें मोदा लाइन की बसें बहुत ख़राब रहती हैं, नए इसमें खिड़कियाँ रहती हैं, सर्दी भी आ चुकी है, खिड़कियाँ गिर जाती हैं, कांच टूटे हुए हैं। मोदा के लिए बसों की सबसे ज़्यादा कंडीशन ख़राब है। 2:30 बजे के बाद कोई बस नहीं है, 5 बजे बाद बस मिलती है। क्या नाम है सर आपका? सोहन लाल जी। रोडवेज बस में आप बैठे हुए हैं परिवहन विभाग राठ में जी। ये बसों की क्या हालत है? सर्दी पड़ रही है? सर्दी पड़ने लगी है, कांच कायदे के है नहीं, कहीं खिड़की टूट के अलग हो जाती है। अभी हम आए 1 घंटे पहले तो बिहुनी के पास गाड़ी की खिड़की अलग हो गई थी, और सीटें भी सब बचबचाई थी, ना तो बैठने का कायदे से है और न गाड़ियों की देख रेख है। पिछले महीने हमने ए आर एम से कहा, कंप्लेंट भी किए थे, तो बोले ड्राइवर लोग बगैर बताए ले जाते हैं, उनको बताना चाहिए थे कि ये गाड़ी निकाल रहे हैं। अभी मौदा की तो बहुत बुरी पोजीशन है। अच्छा, खिड़कियाँ टूटने से क्या सर्दी ज़्यादा लगती है? जी, और क्या, जब तक हवा चलेगी सर्दी की तो पैसेंजर बस ही कांप उठता है, बड़ी परेशानी पड़ती है। औरतें छोटे छोटे बच्चों को लेकर सफ़र करती हैं, तो जब तक कांच ना होगा तो बड़ी समस्या उत्पन्न हो जाती है। तो इन क्या नाम है आपका? मैं विजयनंद विश्वकर्मा। रोडवेज बसों में यात्रियों के द्वारा शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि सर्दी ने दस्तक दे दी है और रोडवेज राठ में परिवहन विभाग की बसों की शीशे टूटे हुए हैं, सीटें उखड़ी हुई हैं, काफ़ी खस्ता हालत है बसों की। क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मैंने हायर मैनेजमेंट से ये आदेश हुए हैं कि सर्दी का मौसम प्रारंभ होने वाला है और हर गाड़ियों में एक योजना बना करके सारी गाड़ियों की सीटें शीशे वगैरह दुरुस्त कराए जाएँ, और सर्दी का मौसम आने वाला है, उसमें लाइटें भी अच्छी तरीके लगाई जाए, है ना। युद्ध स्तर पर हर गाड़ी को रोक रोक करके काम कराया जा रहा है और इसका काम लगातार जारी रहता ही है, हर शीशे पूरे कराने वाला। ऐसा नहीं कि मतलब शीशे न लगे, रास्ते में गिर जाएंगे तो लौट के डिपो जब गाड़ी आएगी तभी लग पाएंगे उसमें। क्या वजह रहती है कि रोडवेज बसों की हालत बहुत ही खस्ता रहती है? ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन कुछ ट्रैक पोजीशन पर डिपेंड करता है कि कुछ रूट्स ऐसे हैं, जैसे मौदहा रूट है, काफ़ी ख़राब है, वहाँ पर शीशे गिर जाते हैं, लौट के आगे फिर लगवाए जाते हैं।